इसका मेन शाही रास्ता हुआ करता था इधर की साइड से, जिससे आगे साइड जाते थे, और जस्ट यहाँ पे ही दीवारी हुआ करती है दोस्तों उस टाइम पे। और ये इस झील का नज़ारा दोस्तों, इतना बेहतरीन नज़ारा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये पूरा मदरसा था उस टाइम का, जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ा करते थे। ये उसका आज का सबसे मेन हिस्सा हुआ करता था दोस्तों, नहीं दोस्तों, जो आस पास के जो 22 जो मैंने आप गाँव बताए थे, वो इस पानी को यूज़ किया करते थे दोस्तों गर्मियों के टाइम पे, यानी कि जब बरसात में भर जाता था, और फिर पूरे साल इस पानी को यूज़ किया जाता था। और इसके नीचे भी कुछ कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे भी इंशाल्लाह हम जाएंगे रास्ता अपना हुआ। ये इस महल का हिस्सा हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है? मोहम्मद इमरान आपका हो दोस्त, आपके अपने चैनल सबकी मंजिल। दोस्त आज मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर आया हूँ जो आज गुमनाम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज ऐसे महल के अंदर आया हूँ, एक ऐसी राजधानी के एक हिस्से में आया हूँ जिसका आज कहा जाए तो नामो निशान मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ आज सिरी सिटी, यानी एक सिरी नाम का शहर हुआ करता था 12वीं शताब्दी के अंदर, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था 12वीं शताब्दी में। उसी का एक हिस्सा है होस खास का महल, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बनाया गया था 1296 में, 1296 से लेकर 1316 के बीच के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बनाने का एक बहुत बड़ा खास मकसद था दोस्तों। कहा जाता है उस समय में दिल्ली के अंदर पानी की बहुत सारी किल्लत रहती थी, समझ सकते हैं, यानी कि बहुत कम ही हिस्से में दिल्ली के पानी हुआ करता था। तो उसी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल का निर्माण किया था। क्यों? आज इसका नाम है होस खास। होस का मतलब क्या होता है? उस समय भी होस खास था, लेकिन होस खास महल के नाम से ज़्यादा मशहूर था, लेकिन होस खास का नाम था। होस का मतलब होता है एक टैंक, यानी कि जहाँ पानी को स्टोर किया जाए, ठीक है। और दूसरा खास का मतलब होता है रॉयल, यानी कि एक रॉयल टैंक था जो बारिश के पानी से भरा जाता था, समझ सकते हैं। वह एक झील है पूरी दोस्तों, जो आज भी उसके अंदर पानी है, ठीक है। अब तो शायद थोड़ी मतलब थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन वो आज भी उसके अंदर पानी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा पूरा, ठीक है। तो वो इस मारे बनाया जाता था ताकि लोग बाग मतलब बारिश पड़े तो वो भर जाए, और उसी के पानी से पूरा साल गुजारते थे इसके आसपास के लोग। यानी कि उस टाइम पे इसके आसपास कम से कम आई थिंक 24 गांव हुआ करते थे जो इसके आसपास बसे हुए थे इस शहर के, यानी कि इस खास खास के, जो इस पानी को यूज़ करते थे पूरे साल, समझ सकते हैं। इतना कुछ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आज मैं आपको पूरा होस खास का महल दिखाऊँगा। इसके अंदर एक मस्जिद भी दोस्तों, एक मदरसा भी, ठीक है, और एक बहुत बड़े बादशाह का मकबरा भी है। इंशाल्लाह उसका व्लॉग मैं डेलीकेटेड में बनाऊंगा, ठीक है। तो हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं आगे का। दोस्तों ये इसकी मेन एंट्री गेट आप देख सकते हैं, ठीक है, और इससे इसे मैं आया हूँ। और ये आपका होस खास का महल, यह अभी इसका आधा हिस्सा है। ये इसके मकबरे कुछ, यानी कि टॉम है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। और हम आगे की साइड चलते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये इसका मेन शाही रास्ता हुआ करता था इधर की साइड से, जिससे आगे साइड जाते थे, और जस्ट यहाँ पे दीवारी हुआ करती थी दोस्तों उस टाइम पे, ये आधी टूटी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे दीवारी हुआ करती थी, और यहाँ से जस्ट जाती ये जो रास्ता है, ये जाता है मस्जिद की तरफ। ये जो आप आगे की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, ये तो मदरसा है, ठीक है, जो पिलर वगैरह बने हुए, और उसकी जस्ट पीछे हुआ करती थी मस्जिद, ठीक है। यहीं बच्चे बैठ के पढ़ा करते थे, ठीक है। और ये टॉम हुआ करते थे उस टाइम पे, 4 टॉम थे ये, अभी किसके हैं किसके नहीं ये पता नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 टॉम ये हैं, 1 टॉम वो है, और वो बैठक गाय पीछे जो बनी हुई है, ठीक है। और ये 10 का कुछ हिस्सा है इस महल का, ठीक है। और कहा जाए ये 3 मीनार गुम्बद वाली बिल्डिंग है, जो आप इधर की साइड देख सकते हैं दोस्तों, ये रही, ठीक है। ये 3 गुम्बद वाली बिल्डिंग कहलाई जाती थी, जो मदरसा था एक्चुअली में, ठीक है। और 10 के बाद ये 10 इसका रास्ता जाता है, देखो आप देख सकते हैं 3 गुम्बद वाली इमारत, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये 3 गुम्बद वाली इमारत है जो एक्चुअली में मदरसा हुआ करता था उस टाइम पे, यहीं पर ही बैठ के पढ़ा करते थे बच्चे, समझ सकते हैं। जो आपने पहले मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ये इस्तेमाल भी किया गया मूवीज़ के अंदर चीज़ों के दिखाने के लिए। और ये गुम्बद कुछ इस तरीके के हुआ करते थे। यहाँ पर आज कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर की साइड, ये देखिए जो अब टूट चुकी हैं, देखिए इधर की साइड आपको नज़र आ रही होंगी। ये मदरसा हुआ करता था उस टाइम का, समझ सकते हैं, उस टाइम का मदरसा दोस्तों।
जो यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ा करते थे। ठीक है दोस्तों, और वो है सामने मस्जिद। मस्जिद को बंद कर दिया गया दोस्तों एआईसी की तरफ से। ठीक है, लेकिन ये सामने मस्जिद थी, आप देख सकते हैं इसका गेट बंद है। यानी कि वो सरकार ने परमिशन दे दी है पूरे महल को ओपन करने की, लेकिन इन लोगों ने अपनी मर्जी चलाते हुए इस मस्जिद को बंद कर दिया। ठीक है, ये मस्जिद बहुत अभी उस टाइम होगी। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा मदरसा था उस टाइम का, जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ा करते थे। ये हौसला आजकल सबसे महल से हुआ करता था दोस्तों, और जिसके मकसद से ये जगह, ये महल बनाया गया था दोस्तों, वो झील, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ, जो आज भी इतनी आलीशान है। और उसके पास एक और चीज़ भी बन चुकी है दोस्तों, एक डियर पार्क, यानी कि एक जंगल के बीचों बीच ये महल बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो उसी के मुताबिक इस झील का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, जो बनाई थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। वो अलाउद्दीन खिलजी जिसको आज लोग क्रूर बादशाह के रूप में देखते हैं, लेकिन उसने इस आम जनता के लिए बहुत कुछ किया था। ठीक है, उसको पर मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग बना भी रखा, आप देख सकते हैं, उनके मकबरे के बारे में बता रखा था मैंने। तो मैं आपको पूरी वो झील दिखाता हूँ दोस्तों। ये मदरसा था, मैंने आपको ये दिखा दिया अंदर से, और इसके जस्ट सामने हुआ करती थी मस्जिद। ठीक है, आप देख सकते हैं गुम्बद ऊपर की साइड, इसी मस्जिद हुआ करती थी उस टाइम की। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से नज़ारा कराता हूँ उसका। ठीक है, ये इसका ये गेट तो बाद में लगा दोस्तों, ये इसका मस्जिद अब इससे सामान रखने के मारे यूज़ किया जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं से ये रास्ता हुआ करता था अंदर मस्जिद में जाने का, और इसका कुछ रास्ता दोस्तों ये हुआ करता था, ये भी बंद है की साइड से, आप देख सकते हैं। मतलब मस्जिद खोलने का परमिशन है, लेकिन इसे बंद कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं पूरा किला ओपन करने की परमिशन है, लेकिन सिर्फ मस्जिद के एरिया को बंद कर रखा है, और पूरा बाकी एरिया पब्लिक के मारे खोल रखा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो मेन झील, जिस मकसद के लिए किले को बनाया गया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो मैं आपको वो झील देखिए दोस्तों, ये पूरी झील है इसके अंदर, ये बहुत ही बड़ी झील बनी है दोस्तों। जो आसपास के जो 22 जो मैंने आपको गाँव बताए थे, वो इस पानी को यूज़ किया करते थे दोस्तों गर्मियों के टाइम पे, यानी कि जब बरसात में भर जाता था, और फिर पूरे साल इस पानी को यूज़ किया जाता था। और इसके नीचे ही कुछ कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, रास्ता खुला हुआ होगा। ये इस महल का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों पूरा, देख सकते हैं आप, ये पूरा इस महल का हिस्सा हुआ करता था। हम ऊपर की साइड जाते हैं, नीचे जाने की कोशिश करते हैं, और नीचे का नज़ारा कराते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों मैं उधर की साइड से, तो मैंने आपको झील दिखा दी है, अब मैं आपको इसका मेन मदरसा दिखाने जाता हूँ। वहाँ तो बच्चे बैठ के पढ़ते थे, और अब मैं आपको मेन मदरसा दिखाने जाता हूँ। ठीक है, जो बना हुआ है ये मकबरे की साइड में बना हुआ है, मकबरा जो है किसका, फिरोज शाह तुगलक लिखा हुआ है खाली, फिरोज शाह लिखा हुआ खाली, और पता नहीं कौन सा फिरोज शाह है, बाकी अब इनकी हिस्ट्री देखेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले आप ये मदरसा देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन मदरसा है, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये 65 मीटर के अंदर फैला हुआ पूरा मदरसा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। ठीक है, और उसका उधर की कोई चीज़ होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको मदरसे की पूरी अंदर से दिखाता हूँ मदरसा पूरा। देखिए, ये इस टाइम का मदरसा है दोस्तों, ये वो मकबरे का रास्ता जाता है और ये मदरसे के अंदर जाता है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मदरसा है दोस्तों। ठीक, और ये रास्ता जाता है झील की तरफ, उधर की साइड, समझ रहे हैं आप, ये झील की तरफ रास्ता जाता है, और ये है इसका मदरसे का रास्ता। ये पूरा मदरसा हुआ करता था दोस्तों उस टाइम का, और यहाँ से ये पूरा रास्ता है, ये देखिए, ये सब यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ा करते थे। गुम्बद देख सकते हैं आप, यानी कि नंबर बने हुए सारे, और यहीं बच्चे बैठ के पढ़ा करते थे सब जगह। और ये इस झील का नज़ारा दोस्तों, इतना बेहतरीन नज़ारा दोस्तों, आप देख सकते हैं, सही है। और हम आगे साइड चलते हैं दोस्तों, ये मदरसा जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, उसके बराबर में जैसे यहाँ पे एक मकबरा किसकी कब्र बनी हुई है, पता नहीं किसकी है। ठीक है, और अब मैं इसके आपको महल के नीचे का, यानी कि मदरसे के नीचे का हिस्सा दिखाता हूँ। तो यहाँ काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको नीचे आके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत।
देखिए दोस्तों, ये मदरसे का ही गेट है, ठीक है। और ये गेट एक नीचे की साइड है, आप देख सकते हैं इधर की साइड कमरे बने हुए नीचे की साइड, और कुछ रूम सीधे की साइड बने हुए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे आके। देखिए दोस्तों, ये कुछ कमरे इधर बने हुए हैं, ठीक है, जो जाने का रास्ता मैं आपको बता रहा था इधर से। ये देखिए, ये पूरा कमरे इधर बने हुए अंदर तक, जो एक अच्छा व्यू देता है झील का। ये देखिए, जो एक अच्छा व्यू देता है झील का, बहुत बेहतरीन, ठीक है। और एक रास्ता ये है इसका, अब हम वापिस चलते हैं क्योंकि यहाँ पे पसंद रहते हैं, ठीक है। और ये इसका मेन रास्ता अंदर का, ये देखिए दोस्तों, जहाँ से मैं अभी आया हूँ ना, वो मकबरे के जस्ट नीचे, मदरसे और मकबरे के नीचे का रास्ता है, जहाँ बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, ठीक है। और हम चलते हैं आगे की महल की तरफ। जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है आलीशान, ठीक है। हम इसके तरफ चल रहे हैं अंदर की साइड, कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे रूम वगैरह बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये एक रूम बने हुए, आई थिंक कुछ दुकानें वहाँ पर तीन बचती है सारी, आप देख सकते हैं। ये उस टाइम की दुकान है, जो आई थिंक 15 अगस्त की होगी। इसका गेट है, ऊपर छत रोशनदान बना हुआ है, और ये दुकान है, एक रोशनदान वहाँ बना हुआ ऊपर, आप देख सकते हैं जहाँ से रोशनी आ रही है ऑलरेडी, ठीक है। और एक दुकान ये बनी हुई इधर, और कुछ एरिया इसका दोस्तों ये है, यहाँ पे भी दुकानें वगैरह बनी हुई हैं, काफ़ी अंधेरा है, पूरा ही रास्ता है। इधर से बहुत एक बेहतरीन व्यू आएगा दोस्तों बाहर का, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इतना आलीशान महल था दोस्तों ओस्कास का, ये आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है। ये देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा दोस्तों, ये पूरा ये झील है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। और उधर की साइड डियर पार्क है, इससे पीछे इसी झील का पानी दोस्तों उस टाइम के बाइक जो गांव था आसपास वो सब यूज़ किया करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को अलविदा कहता हूँ। मैंने आपको पूरा ओस्कास का महल दिखाया, ठीक है, और उसकी मस्जिद, उसका मदरसा, ठीक है, और अनजान मकबरे, मैंने आपको सब कुछ डिटेल के साथ बताया है। तो अगर आप चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में प्यार से कमेंट जरूर दीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफिज़।